Yeah, let me take you on a trip to the land of spices, where the culture never dip. Yeah, yeah. गाइस स्वागत है आप सभी का गोप बंधु ब्लॉग्स में। गाइस हमारा ट्रिप बन चुका है और हम जा रहे हैं आज जगन्नाथपुरी धाम। लेकिन गाइस हमारा ट्रेन जो है 4-5 घंटे लेट है, जिसके कारण हम स्टेशन में भी खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन था हमारा 6 बजे, लेकिन अभी आने में उसको लगभग 1 बज जाएगा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग पे, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये ब्लॉग। तो गाइस ट्रेन तो हमारा फिलहाल 3-4 घंटे लेट चल रहा है, तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं। देखिए इधर थोड़ा नाश्ता हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, खा दो। तो गाइस अभी हम लोग ऑटो में बैठकर लॉज की तरफ जा रहे हैं, जो कि लॉज वाले ने ही हमारे लिए ऑटो भेज दिया था। अब देखिए अभी फिर लॉज जाके दिखाते हैं लॉज कैसा है, कैसा रूम है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है गाइस चलिए पहले रूम। तो गाइस ये हमारा रूम है और कुछ इस तरह का ये रूम है सबको यहाँ पे। और इधर देखिए कुछ इस तरह का रूम है और ये इधर बाथरूम। और व्यू देखते हैं कैसा है। अच्छा और ये व्यू है गाइस कचरा। तो गाइस अभी फ्रेश होके रेडी होके अभी हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे। सब कोई देखिए रेडी हो गया, सारा सब कोई कुर्ता पहना है। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट में बताइएगा, दिखाओ दो कैसा कुर्ता पहना। ये देखिए हल्दी वाला कुर्ता पहन लिया गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस अभी मंदिर की ओर चलते हैं और मंदिर जाके ज्वाइन करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रूम से निकल के मंदिर की ओर जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, ज्यादा दूर 1 किलोमीटर के आसपास है। और इधर मंदिर है, देखिए ये जो पूरा खुला एरिया है, यहाँ पे रथ यात्रा होता है, आप लोग देखते होंगे रील्स वगैरह में, यही जगह पे होता है। गाइस मंदिर के ठीक ऑपोजिट बहुत सारे शू स्टैंड, मोबाइल स्टैंड बने हुए हैं, तो हम अपना मोबाइल, वॉलेट, बेल्ट्स और जितने भी जूते चप्पल हैं सब यहाँ रख रहे हैं। लाइन में लाइन बहुत सारे यहाँ शॉप्स बने हुए हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ रख के आराम से दर्शन करने चले जाइएगा। गाइस अभी हम लोग पूजा करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं। हम लोग ठीक 4 बजे गए थे मंदिर के अंदर, अभी शाम के 7-7:30 बज गए हैं। अंदर तो काफ़ी भीड़ था लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और पहली बार, मैं काफ़ी बार पूरी आया हूँ लेकिन पहली बार मैंने सामने से ध्वजा को, जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगती है उसको चेंज होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने से, जो देखने में वाकई में बहुत ही मनमोहक था। इसे जरूर एक बार आप सभी एक बार देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा। जय जगन्नाथ गाइस। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर से रूम जाके कपड़ा पे चेंज करके अभी बीच की तरफ आ गए हैं। और अभी सबसे पहले कुछ नाश्ता करेंगे, दिन भर से हम लोग ने कुछ नहीं खाया, तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद बीच के सामने जाके थोड़ा सा बैठेंगे। देखिए पीछे बीच है, पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद बीच पे चलते हैं। गाइस बीच में घूमते घूमते हमें ये भैया दिख गए जो यहाँ के फेमस मिठाई बेच रहे थे, मदन मोहन। हमने इसे ट्राई किया, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार था, बिल्कुल ही फ्रेश लगा एकदम खाने में, मज़ा आ गया खा के इसे। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करने के लिए भाजो गोविंदा रेस्टोरेंट, जो कि बंगाली रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं। ये गोल्डन बीच के सामने ही, और अभी हम लोग वेज थाली ऑर्डर कर लिए, आज पूजा किए हैं तो थोड़ा वेज ही ट्राई करते हैं। ठीक है गाइस थाली आने दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं कैसा रहता है थाली, और उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे मेला। गाइस ये हमारा वेज थाली आ चुका है, यहाँ पे राइस है, आलू भुजिया है, ये एक मिक्स सब्जी है और दाल है, और एक्स्ट्रा हम लोगों ने ये पनीर मटर मंगाया था और मशरूम मंगाया। ठीक है अभी इसको खाते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं। खाना देख के टेस्टी लग रहा है, कैसा लग रहा है खाना? बहुत टेस्टी है गाइस,
पूरा एकदम ऑथेंटिक बंगाली डिश है, चोरे चोरे आलू भजा, दाल, राइस, सोयाबीन की सब्जी, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ रहा था। तो चलिए फटाफट से डिनर करके फिर हम लोग मार्केटिंग करने जाएंगे। चूड़ियाँ मिल रही है यहाँ पे, घर का सजावट के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही है। ये वाला संख ले लिया है, देखिए बड़ा साइज का है, 750 मिली है, बजा के दिखाते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बजा गाइस, बेस है इसमें, दम है, बहुत ही बढ़िया चीज है, रियल 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 संख है गाइस, रियल संख है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है चलो इसको गाइस, आज का ब्लॉग को ही एंड करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग गोल्डन बीच के किनारे खड़े हैं। आज काफ़ी तो हेक्टिक रहा दिन, मंदिर गए, वहाँ पूजा पाठ हो गया आज हमारा। कल हम निकल रहे हैं कोणार्क के लिए, उदयगिरी, खंडगिरी, चंद्रभागा, ये सभी इसी रूट में आते हैं। हमारा गाड़ी वाड़ी बुक हो चुका है XL6। तो आज का दिन का ब्लॉग को ही एंड करते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग पे, कल का ब्लॉग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जय जगन्नाथ।